वेलकम बैक फ्रेंड्स, उत्तम संस्कृति में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आरएफ मॉड्यूल के बारे में। आरएफ मॉड्यूल को टेस्ट कैसे करते हैं, अगर वो ख़राब हो तो टेस्ट कैसे करेंगे उससे। तो यहाँ पर उस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा इंकोडर मॉड्यूल है, ये इसको इंकोडर आईसी बोलते हैं, ये ट्रांसमीटर है, इसको रिसीवर बोलते हैं, और ये हमारा डिकोडर मॉड्यूल है। ये सारी चीज़ें हमारे क्या होती है, 5 वोल्ट पे ऑपरेट होती हैं मॉड्यूल्स और आईसीज सेम हियर। तो 5 वोल्ट ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे एक आईसी 7805 लगा हुआ है, यहाँ पर भी 7805 लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 9 वोल्ट पावर सप्लाई और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 9 वोल्ट पावर सप्लाई, दोनों में मैंने 9 वोल्ट पावर सप्लाई। इससे पहले कि मैं इस शुरुआत करूं, अगर आप लोगों ने हमारा आरएफ मॉड्यूल का डीप डिस्कशन वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए। उसको देखने के बाद आपको ये सर्किट किस तरह से बनाई गई है क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं बेसिकली बात करूंगा कि इस आईसी को टेस्ट कैसे करते हैं और आरएफ मॉड्यूल ख़राब है या नहीं है, इसको कैसे टेस्ट करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं। देखिएगा, ये दोनों मॉड्यूल क्या है, सेपरेट हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं। इसमें ऑलरेडी ग्राउंड कनेक्टेड है, मैं पावर देता हूँ, ये मैंने पावर दे दिया, यहाँ पे भी मैं पावर देता हूँ। मैंने पावर लगा दिया। अब यहाँ पे जो सिग्नल एलईडी है, इसे सिग्नल एलईडी कहते हैं, ये सिग्नल एलईडी हमारा ग्लो नहीं कर रहा है। अगर ये ट्रांसमिट मॉड्यूल करता तो ये सिग्नल एलईडी जरूर ग्लो करता। इसका मतलब ये है कि या तो सर्किट कनेक्शन में कहीं प्रॉब्लम है या आरएफ मॉड्यूल में प्रॉब्लम है। सर्किट कनेक्शन मैंने सही बनाया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। चेक करते हैं आरएफ मॉड्यूल, आरएफ मॉड्यूल सही है कि नहीं। तो हमें आरएफ मॉड्यूल को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चेक करने के लिए सबसे पहले चेक करना होगा आईसी सही है कि नहीं। ये दोनों आईसी को कैसे चेक करें, अब इन दोनों मॉड्यूल्स को निकालते हैं इसे, ताकि हम लोग आईसी को चेक कर सकें। तो देखते हैं यहाँ पर जो डेटा पिन है, जो आईसी का डेटा आउट है, इसके डेटा इन से मैं कनेक्ट करूँगा ताकि ये दोनों सही से काम कर रहे हैं कि नहीं मैं पता कर सकूँ। तो इसको मैंने एक वायर से यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो कनेक्ट तो कर दिया, देखिए ये प्रॉब्लम कर रहा है। प्रॉब्लम इसलिए कर रहा है क्योंकि ये डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, प्रॉपर ग्राउंडिंग ना होने की वजह से सिग्नल सही से मिल नहीं रहा है, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो क्या कर रहे हैं, जो ये डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ग्राउंड कॉमन कर देता हूँ ताकि सर्किट सही से काम करे। मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड को कॉमन कर दिया, ठीक है। अब मैं जैसे ही ग्राउंड कॉमन करूँगा, ठीक ये कहीं से हिल गया, यहाँ पे टाइट कनेक्शन आ रहा है, हो सकता है यहाँ पे ढीला हो रहा हो। तो मैंने क्या किया, इसका डेटा आउट इसके डेटा इन में दे दिया, जो कि मेरा ये दो मॉड्यूल काम कर रहा था, ठीक है। इसका डेटा आउट, इसका डेटा आउट, इसका डेटा इन। तो मैंने इसको वायर से कनेक्ट कर दिया। आइए इसको चेक करते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये जो मेरा ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर में मैंने पुल डाउन रेजिस्टेंस किया हुआ है, जिसकी वजह से ये चारों एलईडीज क्या है, ऑफ है। तो इसको मैं जैसे जैसे हाई करूँगा तुरंत वो क्या होगा, एक एक एलईडी बारी बारी से जलेगा। मैं हर एक डेटा पिन को क्या करता हूँ, बारी बारी से हाई करता हूँ, ठीक है। तो हाई करता हूँ मैं इसको, पावर सप्लाई से कनेक्ट किया हूँ प्लस 5 वोल्ट से। प्लस 5 वोल्ट से कनेक्ट करने के बाद मैं इससे क्या करता हूँ, जैसे ही मैंने किया डेटा ट्रांसमिट हुआ, मैं सेकंड डेटा ट्रांसमिट करता हूँ तो दूसरी एलईडी जलेगी, थर्ड ट्रांसमिट करता हूँ तीसरी जलेगी, इसी तरह से फोर्थ जलेगी। मींस कि जो आईसी है, आईसी तो काम कर रही है, ठीक है, आईसी का डेटा ट्रांसमिशन प्रॉपर हो रहा है, लेकिन ये जो मॉड्यूल है वायरलेसली रिसीव नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मॉड्यूल है हो सकता है ख़राब है। मींस हमें कंफर्म हो गया अब कि ये मॉड्यूल ख़राब है, चाहे ट्रांसमीटर ख़राब हो सकता है, चाहे रिसीवर ख़राब हो सकता है। आप मॉड्यूल बदल के रिप्लेस करके चेक कर सकते हैं ट्रांसमीटर ख़राब है या रिसीवर ख़राब है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और अगर मेरे वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।